नई दिल्ली से गग्गल एयरपोर्ट की करीब सवा घंटे की उड़ान में हिमालय की बर्फीली चोटियों और वादियों के ऐसे खूबसूरत नज़ारों को तकते हुए मैं जा पहुंची हूं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। यहां से मैं जा रही हूं कायाकल्प में, जो करीब 35 किलोमीटर दूर है। कायाकल्प है आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और योग पर आधारित स्वास्थ्य सेवाएं देने वाला संस्थान। कांगड़ा की खूबसूरत वादियों में बसे पालमपुर की पहचान बन चुका है कायाकल्प। अब अगले एक सप्ताह तक यही मेरा घर है और यहाँ के डॉक्टर मेरी सेहत के रखवाले। आइए आपको दिखाती हूँ कायाकल्प की फैसिलिटी दिखती कैसी है। तो बने रहिए मेरे साथ, आपको दिखलाऊंगी कि जब हेल्थ सीकर के तौर पर आप यहां आते हैं तो आपको कैसी सेवाएं मिलती हैं। बीते 8 महीने के कोरोना काल ने आपको तो जाने क्या सिखाया, लेकिन मुझे 2 जबरदस्त पैगाम दिए। एक, जिंदगी में होना चाहिए बैकअप काम धंधे के लिहाज से, और दूसरा सेहत। सेहत है तो सब कुछ है, बैकअप भी तभी बनता है जब सेहत है। तो इसी सेहत पर काम करने के लिए मैं इन दिनों हिमाचल में आ गई हूँ। हिमाचल के पालमपुर के कायाकल्प संस्थान में हूँ। ये है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी। दिन की शुरुआत के लिए योग से बेहतर और क्या हो सकता है, वो भी धौलाधार के आंगन में। कुदरत की गोद में है ये आंगन। योग के सदियों पुराने विज्ञान का अभ्यास सिर्फ दिन भर के लिए ही नहीं, आने वाले जीवन के लिए भी तैयार करता है। जहां हम चूकते हैं वहां दुरुस्त करने के लिए इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। खुद को बहुत तरोताजा महसूस करती हूं मैं हर दिन योग अभ्यास के बाद। और फिर किसी पेड़ के नीचे खुले आकाश तले मेडिटेशन सेशन चलता है। कायाकल्प में हर दिन इतनी खूबसूरत सुबह को कौन नहीं चाहेगा बार बार लौटाना। अगर आपको लगता है कि कायाकल्प में आकर सेहत का जादू खुद ब खुद चल जाएगा तो आप बड़े मुगालते में हैं। योग और मेडिटेशन के साथ साथ ईटिंग राइट का मंत्र सबसे अहम होता है, और इसीलिए सेहत के नाम एक लंबी सुबह बिताने के बाद जब हम डाइनिंग हॉल पहुंचते हैं तो ऐसे हमारे फाइल में दर्ज नपा तुला खाना ही हमें मिलता है। यहां मनमानियां बिल्कुल नहीं चलती, क्योंकि डिटॉक्स के लिए जरूरी है डाइट का डिसिप्लिन। योग मेडिटेशन डाइट के बाद नंबर आता है थेरेपी का। तो अब चलते हैं कायाकल्प के थेरेपी ब्लॉक में। मैं अपने कमजोर हाजमे की शिकायत लेकर कायाकल्प में आई हूँ। दिन भर काम के बाद एनर्जी भी कम महसूस होने लगती है। यहाँ के डॉक्टरों ने मेरी परेशानियों के लिए मुझे नेचुरोपैथी और पंचकर्म विधियों से उपचार की सलाह दी है। पंचकर्म कक्ष में वस्ती के साथ मेरी थेरेपी शुरू होती है। ये दरअसल उड़द की दाल से बनी पिट्ठी है, जिसे कटोरी के आकार में ढालकर कुछ इस तरह नाभि के ऊपर रखा जाता है। इसमें जड़ी बूटी युक्त गुनगुना तेल भरते हैं। ठंडा होने पर तेल निकालकर नया तेल भरा जाता है। इस तरह करीब 20 मिनट तक 4 से 5 दफा यही प्रोसेस दोहराई जाती है। पंचकर्म थेरेपी में बॉडी मसाज, स्टीम वगैरह पर जोर दिया जाता है। बहुत सुकून मिलता है इन सब के बाद। लेकिन इलाज में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती। डॉक्टर ने मेरे लिए शिरोधारा ट्रीटमेंट भी तय किया है। इस तरह हर रोज 2 से 2.5 घंटे थेरेपी सेशन चलता है। यहां हर दिन ऐसा महसूस होता है कि हमारी सेहत पर काम करने के लिए हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ डॉक्टर और थेरेपिस्ट भी हैं। पालमपुर में कायाकल्प आना और अपने तन मन का ख्याल करने के लिए खुद को संस्थान को सौंप देना
मेरे लिए एकदम नया अनुभव था। मुझे लगता है इस मार्गदर्शन की जरूरत हम सभी को कभी ना कभी पड़ती है। इस बारे में बात करने के लिए आइए अब मिलते हैं कायाकल्प के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और प्रशासक डॉक्टर आशुतोष गुलेरी से। सेहत बहुत ही गंभीर मसला है इस देश में, लेकिन हमारे देश में सारा का सारा जोर, सारी तवज्जो दी जाती है इलाज पर। जब हम बीमार पड़ते हैं तब हम भागते फिरते हैं नीम हकीमों से लेकर बड़े बड़े डॉक्टरों तक, बड़े बड़े अस्पतालों तक, और आनन फानन में पैसे खर्च करने से तब हमें कोई परहेज या कोई कोताही नहीं होती। क्या ही अच्छा हो कि वक्त रहते संभल जाएं, कितना अच्छा हो कि बचपन से ही हमारी ज़िंदगी में इस तरह की आदतें डाली जाएं कि हम अच्छी सेहत के साथ बड़े हों, स्वस्थ बने, खुद स्वस्थ रहेंगे, देश को और समाज को भी स्वस्थ रखेंगे। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, और इस गाइडेंस के लिए, इस बातचीत के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं कायाकल्प के प्रशासक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष गुलेरी। इस विषय पर आयुर्वेद में एक बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा है मानवीय जीवन के पुरुषार्थ को लेकर, और आयुर्वेद में मानव के जीवन के चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इन चारों के चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसे स्वास्थ्य या फिर आरोग्य कहा गया है। यदि हम इस परिप्रेक्ष्य में धर्म समझें अपनी ड्यूटीज़ को, तो ड्यूटीज़ पूरा करने के लिए भी हमारा स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही जब हम अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभा लेते हैं तो उसके ही हम क्या कह सकते हैं कि उसके ही परिणाम स्वरूप हमें अर्थ की प्राप्ति होती है। उस अर्थ से ही हम अपनी इच्छाएं अर्थात अपने काम को पूरा करते हैं और अंततोगत्वा हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जब हम मूल रूप के ऊपर आते हैं कि इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सबसे पहली कड़ी धर्म है, और धर्म को पूरा करने के लिए एक स्वस्थ काया का होना बहुत आवश्यक है। सो इस परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद में कहा गया, धर्मार्थ काम मोक्षाणम मूलम आरोग्यम उत्तमम। और आपने जैसा बिल्कुल सही कहा कि हम अधिकांश जीवन में केवल डिजीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, क्यों ना हम स्वास्थ्य के ऊपर इन्वेस्ट करें। और यही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसमें हम वस्तुतः अपना कमाया हुआ समय और अपना कमाया हुआ धन अपने शरीर के ऊपर लगा रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ जो वस्तुतः हमारे शरीर को लाभ पहुंचा रही है, इसी उद्देश्य से कायाकल्प में हम स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, अर्थात स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु और पीड़ित या रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से हम कायाकल्प में पिछले करीब करीब 15 वर्षों से सेवारत हैं। अब आपको दिखाती हूँ कि कायाकल्प में आपके लिए कैसे कैसे स्टे ऑप्शंस हैं। आप कायाकल्प में रहने के लिए चुन सकते हैं अपने बजट के मुताबिक स्टे। जैसे ये है मेरा ठिकाना, ये कीर्तन कॉटेज है, कायाकल्प के टॉप 2 स्टे ऑप्शंस में से एक है ये। जानते हैं इसे मैंने क्यों चुना? यहाँ बालकनी के उस पार है धौलाधार का खूबसूरत नजारा जो दिन भर मेरे साथ रहता है। इसी कॉटेज में दिन के वक्त मेरा ऑफिस खुल जाता है, आखिर डिजिटल नोमैड हूं मैं। जब बोर हो जाती हूं तो खिड़की के उस पार झांक लेती हूं, हिमालय के बदन को छू कर आ रही हवाओं को सांसों में उतार लेती हूं। मालूम है कायाकल्प में हर दिन किस पहर का इंतजार मुझे सबसे ज्यादा रहता है। थेरेपी के बाद कुछ समय मैं खुली हवा में बिताती हूं। दिल में जो खुशियां उमड़ती है ना, वो चेहरे पर चस्पा होने में देर नहीं लगाती यहां। तो जैसा आपका बजट हो वैसा ठौर चुन लीजिए और चले आइए खुद को सेहत का उपहार देने। कायाकल्प और धौलाधार की निगहबानी में अपनी सेहत पर काम कीजिए ताकि मिल सके क्वालिटी लाइफ का भरोसा।